नहीं इन्हें कटवा। कट कट कट, एक दफा ये डायलॉग दोबारा बोला जे, मजा आया। एक दफा फिर बोला इन्हें कटवा। मैं कहता हूं इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारी, ये बकवास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज ईद का तीसरा दिन है और सब दोस्तों को ईद का तीसरा दिन मुबारक हो, तो अभी मैं खड़ा हूँ इधर खालिद मस्जिद के पास कवालरी ग्राउंड में। तो अभी मुझसे शराज आ रहा है मिलने के लिए। शराज को मैंने कॉल की थी, वो आ रहा है, तो अभी आता है तो उससे फिर गपशप करते हैं। जैसा कि शराज मेरे पास आ चुका है और फैसल भाई भी साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाओ, खैरियत से? हाँ जी हमजा भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। आप फैसल भाई को भी साथ ले आए हो? बस मैंने कहा आपको थोड़ा सा बड़ा अच्छा काम किया आपने, बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है इनसे। कितने साल बाद हो रही है? कितने साल बाद हो रही है? मियां हमजा थोड़े से हैं यार, 520। लो फैन आपके, आपको याद कर रहे हैं हमजा भाई। देख लें आप मशहूर हो रहे हैं ऐसा ऐसा, ऐसे ही मेहनत करें आप। मोटरसाइकिल बंद कर दे सारे आराम दे तेले। ओ भाई 150 रुपये लीटर है, मियां जी की हुकूमत आ गई है तो टेंशन किस बात की है। अभी आपसे शराज भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं, वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो आप लोग परेशान हो गए क्योंकि हमजा भाई के चैनल पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाह रहा था कि जो हमने स्कूल लाइफ में देखी थी। पहले तो मैं अब आपको पहले मिलवा देता हूँ कि हमारे साथ हमजा भाई भी है, लेकिन स्टार्ट मैंने इसलिए की थी ये हमजा भाई, आज ईद का तीसरा दिन है, सब दोस्तों को ईद मुबारक। कर दें आप वेलकम कर दें, क्योंकि मैंने स्टार्ट की थी, फिर भी आप कर दें अब वेलकम। और ये भाई आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे बल्कि ये है फैसल भाई, हमारे स्कूल में पढ़ते थे हम तीनों, एक ही बैच में होते थे 9th 10th में। और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन तो। ईद मुबारक सब भाइयों को। मेरा नाम मोहम्मद फैसल उस्मान, ठीक है, और हम बेसिक स्कूल में पढ़ते रहे हैं, ठीक है, सुफा ग्रुप ऑफ स्कूल में हम पढ़ते रहे हैं तीनों। एक अरसे के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है। इसमें अरसे के बाद क्यों मुलाकात हुई है? वो इस वजह से मुलाकात हुई है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमजा भाई और फैसल भाई के बीच में, तो वो आज क्लियर हुई है। बाकी हमजा भाई आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या सीन था। मैं आपको बताता हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारी, ये बकवास कर रहा है। दरअसल जब बंदा स्कूल लाइफ में पढ़ रहा होता है ना, तो कोई ना कुछ इस तरह के क्लासमेट्स होते हैं कि बंदा बंदे की ना उनसे नहीं बन रही होती, तो उनमें से मैं और फैसल थे, तो इसमें हमारी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसी तरह का मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि मैं जब पढ़ता था गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में एकेडमी रोड पे है, 8th क्लास में मैं पढ़ता था, मेरा एक दोस्त है मोहसिन, दोस्त बन गया, दोस्त था नहीं, तो वो मुझे कहता तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? मैं कह यार तेनू की तकलीफ है, मैं रखे ने थे। नहीं उन्हें कटवा। मैं कह वाह, एक दफा ये डायलॉग दोबारा बोला जे, मजा आया। एक दफा फिर बोला इन्हें कटवा। मैं कह तेनू की तकलीफ है। खैर मेरी उससे काफ़ी लड़ाई हुई, लड़ाई यहाँ तक गई कि हमारी सुन मुक्की हुई, तो खैर एट द एंड हमारी सुलह होगी, और सुलह ऐसी हुई कि हम एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए कि अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल का ताल्लुक है, और आज भी हम आज भी हम बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। और फैसल भाई से भी हमारी कोई इस तरह की कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, कोई हमने किसी का बिल्कुल ना लेना देना था, ना किसी का कोई मारा था, लेकिन एक होता है क्लासमेट्स में ना, बंदे की कुछ बंदों से नहीं बन रही होती। ये भी एक चावल खड़ा हुआ आपके सामने जो आपको गलत गाइड कर रहा था, तो हमारा इस तरह का कोई सीन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे दोस्त से और अच्छे दोस्त हैं।
बाकी कितने सालों बाद मिले हैं भाई हमजा? हम 3 से 4 साल बाद तकरीबन हमारी मुलाकात हुई है। तो अभी हम इधर खालिद मस्जिद के पास खड़े हुए हैं, तो वैसे ही बस गपशप मार रहे हैं। अभी हम कोई एक छोटा सा राउंड भी करते हैं, उसकी भी आपको क्लिप दिखाएंगे। जैसा कि हमने GoPro 10 लिया हुआ है, उससे ही हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मिलते हैं फिर। ले भाई, ये दोनों भाई बोतल लेने गए हैं, चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों भाई, ऐसा होता था कि जिस जब स्कूल में होते थे ना, एक डेस्क पे अगर बैठ जाता था ना तो दूसरा नहीं बैठता था। तो आज ये दोनों भाई एक साथ हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे तो अचानक ये हुआ था कि मैं आ रहा था, मुझे फैसला मिला है, तो मैंने फैसल को पकड़ लिया साथ। मैंने सोचा कि यार दोनों तो हम लग गए, यार जो मर्ज़ी पिला दो, आज बहुत खुश हो, पिला दो पिला दो। तो ये देखो आपके सामने कितना प्यार है भाई, दोनों भाई आपस में लगे हैं। भाई मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। तो बहुत खुशी हुई है यार। ऐसा ही है कि यार आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में हर किसी के गलतियाँ खताइयों को दरगुजर करना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे राजन है, सिर्फ आखिरत में जो होना है सो वही आगे चल रहा है। अब आपको दोनों भाइयों की शक्ल भी दिखाते हैं। अब वो देखें आपस में लड़ रहे हैं कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ। दोनों भाइयों के मुंह पे खुशियाँ, आज तो याशी होगी। आए आए बोतल फैसल भाई, ये सिर्फ आपकी वजह से आज हमें बोतल मिल रही है। क्यों आगे कुछ पीने को नहीं मिलती? I love road. Road. दो रोड रोड है। अच्छा मैं समझा रोड और सुनाए फैसल भाई, अब आप भी कुछ बोल लें। जी मैं क्या बोलूँ, मैं बस आपकी ये फजूल की बातें सुन रहा था तब से। पता नहीं क्या क्या कुछ मेरे और हमजा भाई के बारे में बोली जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सब कुछ बता दिया, ये आपस में कैसे लड़ते होते थे, यहाँ तक कि ये हो गया था कि एक दूसरे को ईंटे मारने लग गए। ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, ये बकवास का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या सुनने वालों को ये भी पता होगा, उनके साथ भी ये सीन हुआ होगा। बाकी वैसे आज एक मैसेज तो देना चाहिए सबको कि यार मिलजुल के रहना चाहिए। मैसेज यही है कि छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है, और लड़ने से प्यार बढ़ता है, कम नहीं है। तो बाकी आज क्लोज कर लो हमदा भैया, आप आखिरी अल्फाज अपनी वीडियो में और क्लोज करें वीडियो आज की। आखिरी अल्फाज तुमने कहा? आखिरी अल्फाज लो जी, आखिरी अल्फाज है। तो बाकी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे पिछली वीडियोस में भी हमदा भाई की मेरे चैनल को बताया हुआ था कि मेरा एक चैनल है, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से वो चला नहीं रहा, थोड़े से मसले हैं, लेकिन बहरहाल वो चैनल में लिंक शेयर करेंगे, और प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय, बोतल पी लो।